हार्दिक कुमार पांडे सर। हाँ रमैया कैसे हो भाई? ठीक हूँ सर। मिलिए जिगरदास गुप्ता। जिगरदास गुप्ता मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ है ये। हेलो कर्नल, इसका कुत्ता किधर भी जाएगा। कर्नल के पूरी कैसे हैं आप? ये आर्या किशनकांत। ठीक हूँ जी। चंगा है ना जी? एकदम फिट दिखाई दे रहे हो कर्नल। अपनी तो कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गई। भाई मेजर गुरुम को देखो, लगता है नया रंग रूट आया है। He's fit. With all respect to the seniors, उम्र का तो बिल्कुल ही असर नहीं दिखाई पड़ता इन पर। भाई हमारे साथ रहोगे तो आपको भी बिल्कुल फिट कर देंगे। हड्डी नरम कर दी। बैठिए बैठिए। अबे I must say, इतने साल बाद सबको एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ रविया बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। जेंटलमैन कम इन। कौन है आप? यस सर। सर वो इनविटेशन आया था। सॉरी मैंने आपको कोई इनविटेशन नहीं भेजा। बट सर मेरे आप अंदर कैसे आ गए? हाँ बिना पूछे अंदर कैसे आए आप? बट सर मेरे बार वो चलिए बाहर चलिए, आपको पता नहीं है प्राइवेट मीटिंग चल रही है। निकलिए। सर मैं वो मेजर टंडन का बेटा हूँ सर मैं। व्हाट? मेजर मेजर टंडन? ओए गुलशन कुमार टंडन। इधरा 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 इधरा। ओए जीते रहो जीते रहो। तेरा नाम क्या है? उदितांशु। हैं? उदितांशु। उदितांशु उदांशु उदांशु। भाई वाह भाई तेरे डैडी, वाह क्या बात है उनकी। 6 गोलियां खाकर भी वो लड़ते रहे, मैदान नहीं छोड़ा। अच्छा वो खुद क्यों नहीं आए? ओ सर 6 महीने पहले वो बाथरूम में नहा रहे थे और पैर फिसल गया और कमोड से सर टकरा के वहीं डेथ हो गई उनकी। कमोड से टकरा गई। वी आर सॉरी टू हियर दैट। Make yourself comfortable. Oh no, sorry beta, very sorry. Well, gentlemen, मैंने एक मिशन हाथ में लिया है। मैं चाहता हूं आप सब इस मिशन में मेरा साथ दें। देवदुर्ग में जगीरा ने आतंक मचा रखा है। लूटमार और कत्लेआम इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मेरी एक भतीजी जो देवदुर्ग में ही रहती है, उसने जगीरा का मुकाबला करने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मजबूर लोगों की जान और खुददारी की हिफाजत करना भी एक फौजी का धर्म है। मिशन है जगीरा को पकड़कर देवदुर्ग को उसके आतंक से आजाद करना। आपका मतलब है जगीरा वो जंगली डाकू? सर उसका असली नाम जगवीरा है। बहुत खतरनाक डाकू है सर वो। 4 स्टेट की पुलिस मिलकर उसको नहीं पकड़ पा रही सर। आप उसको पकड़ना चाह रहे? उसको? मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर उसे पकड़े। किशनकांत तुमने हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कर्नल पुरी मैं चाहता हूँ कि इस मिशन के जरिए ही हम... This is not a mission, Colonel. It is a suicide. बिल्कुल। आपका मतलब है सर इस उम्र में जाके डाकुओं के साथ हम लोग तो खेलेंगे? सर अगले 2-3 दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, कुछ भी शुरू करो ना तो अच्छा ही रहेगा। सर मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ मैं? बैठ जाइए। देखिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस मिशन में कोई तुक नहीं है। लोग हंसेंगे हम पर। और हम इस लफड़े में क्यों पड़े? What are we going to gain out of it? अरे ऐसी प्लानिंग तो वही कर सकता है जो आधा पागल हो, और जो इस पर अमल करे वो पूरा पागल। ये आप लोग कह रहे हैं जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जो मिलिट्री स्किल्स में माहिर हैं, ग्रेनेडियर, गनर, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, प्लानर, शार्प शूटर। हाँ हाँ वो सब थे, लेकिन 17 साल पहले उम्र का भी कोई तकाजा होता है कृष्णकांत। आज इन सब की तरफ देखो, इनकी हड्डियों में जंग लग गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, 2 कदम चलते ही सांस फूल जाती है, अब वो बात नहीं रही। ये देखो। सॉरी सर। हो सकता है हमारे बदन में अब वो शक्ति न रही हो,
लेकिन हमारे पास हौसला है, अनुभव है। कर्नल साहब, ये हौसला, ये अनुभव हम सब में तब भी था, लेकिन क्या सिला मिला हमें? आर्मी हेडक्वार्टर्स ने हम सबको एक ही झटके में। We have not come here to discuss the past. And I repeat, वो सब दोहराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सीओ साहब ने हमसे एक मदद मांगी, हमें सिर्फ ये फैसला करना है कि हम इनके साथ हैं या नहीं। That's all. I'm sorry. कर्नल, तुम्हें अंदाजा भी है कि सारे मिशन पर कितना खर्च आएगा? कहां से लाएंगे वो पैसा? मैंने सोचा आप इसमें हमारी मदद करेंगे। क्या? मैंने कोई खैरात खाना खोल रखा है? मैं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहा हूं। कौन लौटाएगा वो पैसा? जगीरा को पकड़ने का इनाम है 1,26,00,000। 1,36,00,000। मिशन का खर्चा निकाल के और मेरा इंटरेस्ट काट के सबके हिस्से 10,00,000 रुपए से ऊपर आएगा। 10,00,000? अरे जगीरा के इलाके में घुसते ही 10,00,000 टुकड़े हो जाएंगे तुम लोगों के। 10,00,000 टुकड़े? वाह कृष्णकांत, वाह, बहुत बढ़िया भाई, मान गए। क्या आइडिया है तुम्हारा? तुम अपना ये आइडिया किसी फिल्म प्रोड्यूसर को सुनाओ, वो इसके ऊपर कोई अच्छी सी फिल्म या कोई टीवी सीरियल तो बना ही डालेगा, और शायद तुम्हें भी उसमें एक्टिंग करने का चांस मिल जाए। मशवरे के लिए शुक्रिया कर्नलपुरी। मिशन परसों सुबह 7 बजे शुरू होगा सेंट्रल स्टेशन। और छाड़ी यार, मत मारी गई है तेरी, तनु समझ नहीं आंदी? ये तू हले तक भी उस मिशन वासी सीरियस है ना, तो मैं समझागा कि तू पूरी तरह पागल हो गए हैं। चलो यार, निकले इस पागल खाने से, चलो आओ। अरे आओ ना, आओ ना। चलो जी। किशनकांत, हम यूनाइटेड होटल जा रहे हैं डिनर के लिए, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो तुम भी वहां आ जाना। हाँ, मिशन ड्रॉप नहीं होना चाहिए सीओ साहब, मैं आपके साथ हूँ। मिशन ड्रॉप नहीं होगा मेजर गुरु, अब तो हम दो हैं। दो नहीं, 3 सर, 4 सर। सर, इफ यू डोंट माइंड सर, मैं भी आपके साथ मिशन पर जाना चाहता हूँ सर। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर यंग मैन, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। सर, उसका दम हो जाएगा सर, और सर मैंने 3 साल एनसीसी ट्रेनिंग ली है सर, मुझे राइफल चलानी आती है, पिस्टल चलानी आती है। बच्चे, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। सर, मेरे पास सर्टिफिकेट है सर। तो तुमने 3 साल तक एनसीसी की ट्रेनिंग ली है? यस सर। तुम्हें ऑर्डर्स लेने आते हैं? ऑफ कोर्स सर। सोनार्ड, डायनामोर, टेंशन, सामने देख। सर, 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 आपने सरफराज को नहीं बुलाया? लिखा तो उसको भी था, पर पता नहीं। सर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बुलाएं और वो ना आए। या तो उसे चिट्ठी नहीं मिली, या फिर वो किसी मुसीबत में है। तुझ पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी हरामजादे। मेरी पीठ के पीछे मेरा गैराज बेचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? समझाएगा? समझाएगा मुझे? क्या समझाएगा मुझे? मेरी जिंदगी भर की पूंजी को हड़प कर मेरी बेटी की शादी सर पर है, उसी के सहारे मैं उसकी डोली उठवाना चाहता था हरामजादे, और तूने मुझे मेरे भाई को पैसे लौटाने थे। तू मेरे भाई को जानते हो, गफूर भाई ग्रेनेड वाला। गफूर भाई ग्रेनेड वाला? कल तक अगर मेरे गैराज के कागजात मुझे वापस नहीं मिले, तेरी सारी हड्डियां ऐसे तोड़ डालूंगा, समझा? आओ सरफराज, आओ। भाई सरफराज, तुम अपनी बेटी की शादी की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो, वो तो गफूर भाई ग्रेनेड वाला करा देगा।
अपने किसी भी छोकरे से? क्यों भाई, तू करेगा? क्यों नहीं दादा? शाबाश, ले आओ उसकी बेटी को। सरफराज, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना तेरी बीवी की गर्दन कट जाएगी। भड़कता क्यों है सरफराज? छोकरा पसंद नहीं है तो दूसरी शादी करा देते हैं। रामजादे, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना वरना। वरना क्या? क्या मेरा हाथ भी तोड़ेगा? सरफराज, मैं चाहूंगा तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर में रहो। ये घर काफी बड़ा है और यहां रहने वाला कोई नहीं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकते हो और अगर मैं मिशन से कामयाब लौटा तो बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। सर, हम कब निकल रहे हैं?